पिछले 3 दिनों से विदर्भ और नागपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए विदर्भ में इसी तरह की स्थिति का अनुमान लगाया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक एमएल साहू ने विदर्भ के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी से पिछले कुछ दिनों से चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम बदल गया है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में बारिश की बौछारें पड़ रही है। विदर्भ में मार्च के शुरुआती दिनों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया था, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव के कारण अब न्यूनतम तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। 2 से 3 दिनों के बाद तापमान फिर से बढ़ेगा, ऐसा क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक एमएल साहू ने कहा। अभी पिछले कुछ दिनों से जो है मॉइस्चर इनकर्शन लगातार हो रहा है। आज की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ पे पूर्वी हवाएं आ रही हैं जो बंगाल खाड़ी से आ रही है, जिसमें मॉइस्चर है। इसका कारण यह है कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया के ऊपर में बना हुआ है, तो उससे काफ़ी मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है और जिससे बारिश हो रही है। और अभी चेतावनी भी है कि अगले 24 घंटे में बिजली गिरने की या गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की या कहीं कहीं पे ओले भी गिर सकते हैं। तो इसके पहले भी जो था लगातार विंड डिसकंटिन्यूटी बना हुआ था सेंट्रल इंडिया में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी मराठवाड़ा में बना था, तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे सिस्टम बनते जा रहे हैं, उसके कारण बीच बीच में वेदर में जो है परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कि मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है बंगाल की खाड़ी से, ये कल तक कंटिन्यू रहेगा 24 तक, और उसके बाद 25 से मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। आज कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होगी, आज थोड़ा ज़्यादा बारिश की संभावना है, और कल से थोड़ा कम हो जाएगा, 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा होगी, उसके बाद परसों से मौसम शुष्क हो जाएगा। अब जैसे लगातार मॉइस्चर आ रहा है और बादल है, तो उसके कारण अधिकतम तापमान जो है काफ़ी गिर गया है, जो एक समय में 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था मार्च के शुरुआत में, अभी गिर के 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है अलग अलग इलाकों में। और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो क्लाउडीनेस के कारण 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जैसे ही मौसम खुलेगा उसके बाद में ये फिर से बढ़ के 40 के आसपास पहुँच जाएगा, 39-40 के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर, और 1-2 दिन लगेगा उसके बाद में। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।